आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को शुरू कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज का अध्ययन करेंगे। और जैसा कि अगर आप सिलेबस को देखेंगे तो एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज के अंतर्गत हमें एक तो क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म पढ़ना है, फिर डिफ्यूजनिज्म पढ़ना है, फिर फंक्शनलिज्म पढ़ना है, फिर स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म पढ़ना है, फिर न्यू इवोल्यूशनिज्म, फिर कल्चर एंड पर्सनालिटी स्कूल, कल्चरल मटेरियलिज्म, कोग्निटिव थ्योरी, इंटरप्रेटिव थ्योरी एंड पोस्ट मॉडर्निज्म। ये हमारा, इसके साथ साथ सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी का टॉपिक भी है। तो एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी के अंतर्गत इतने सारे टॉपिक को हमें पढ़ना है। दूसरा चीज़ ध्यान ही रखना है कि एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी जब हम पढ़ते हैं तो एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत इसका बहुत ही महत्वपूर्ण वेटेज है, क्योंकि जब एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज पढ़ते हैं तो इससे सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी को समझने में बहुत बड़ी मदद मिलती है। और कई ऐसी केस स्टडी जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट द्वारा आप एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी के अध्ययन के अंतर्गत पढ़ते हैं उसको आप सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत मेंशन कर सकते हैं। तो एक तो इसका ही इम्पोर्टेंस है। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जितनी भी एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी है वो संस्कृति के अध्ययन पर केंद्रित है, राइट? यानी संस्कृति का जो अध्ययन है उसको संस्कृति के अलग अलग ट्रेट का अलग अलग डायमेंशन से, अलग अलग दृष्टिकोण से, अलग अलग पर्सपेक्टिव से एंथ्रोपोलॉजिस्ट उसका अध्ययन करते हैं। तो कुल मिला करके जो संस्कृति जो है मानव विज्ञान के अंतर्गत एक कोर कंसेप्ट है। इस कोर कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग हमको बेहतर कैसे प्राप्त हो, इसकी जानकारी अगर आपको प्राप्त करनी है तो फिर इसकी जानकारी जो है हमें मानव शास्त्रीय जो सिद्धांत है, अगर मानव शास्त्रीय सिद्धांत जो एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज है इसका अगर आप बहुत बेहतर तरीके से अध्ययन करते हैं तो फिर आपको मानव विज्ञान का जो कोर कंसेप्ट है संस्कृति, इसकी अवधारणा आप बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो इसके अंतर्गत चूंकि मैंने कहा कि कई टॉपिक दिए हुए हैं तो आज की जो चर्चा है इसमें हमें अध्ययन करेंगे क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म का, और क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं शास्त्रीय उद्विकासवाद, राइट? शास्त्रीय उद्विकासवाद, और जिसका डेवलपमेंट जो है 19वीं शताब्दी में होता है, ध्यान ही रखना है 19वीं शताब्दी में। और इसके अंतर्गत हमें तीन महत्वपूर्ण पर्सनालिटी के वर्ग को हम लोग पढ़ेंगे। उसमें पहला वर्ग जो है ये ईवी टायलर का है, राइट? दूसरा जो वर्क है जो हमें पढ़ना है एलिच मॉर्गन का, और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे जेम्स फ्रेजर, राइट? ये तीन अलग अलग पर्सनालिटी का क्या कंट्रीब्यूशन है क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म के डेवलपमेंट में या संस्कृति के अध्ययन में, इसको हम लोग इसके अंतर्गत देखेंगे। लेकिन आज का ये जो क्लास है ये पूरी तरह से ईबी टायलर पर कॉन्सेंट्रेट है, राइट? ईबी टायलर का जो शास्त्रीय उद्विकासवाद का सिद्धांत है इस पर हम कंसंट्रेट करेंगे, राइट? केवी टायलर ने क्या कंट्रीब्यूशन दिया है शास्त्रीय उद्विकासवाद के सिद्धांत के विकास में,
इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जब आप किसी भी मानव शास्त्री का या सोशल साइंटिस्ट के किसी विचारधारा को, किसी सिद्धांत को पढ़ने का प्रयास करते हैं, तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होता है कि उसका बैकग्राउंड क्या है, किन किन चीज़ों से वो प्रभावित होते हुए आगे की ओर बढ़ता है, इसकी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। तो जब ईवी टायलर के बारे में अगर हम बात करें, तो ईवी टायलर ब्रिटिश मानव शास्त्री थे और जिनका जन्म 1832 ईस्वी में ब्रिटेन के क्वेकर फैमिली में हुआ था। ईवी टायलर जो हैं, इनके पास फॉर्मल एजुकेशन कम था और ये ग्रेजुएट नहीं थे। एक तो ध्यान ये रखना है कि ये ग्रेजुएट भी नहीं थे और ही वॉज नॉट एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट बाई प्रोफेशन, बाई ट्रेनिंग। उन्हें एंथ्रोपोलॉजी का ट्रेनिंग भी नहीं मिला हुआ था, क्योंकि ईवी टायलर का जो एजुकेशन था, ये इनका पर्सनल जो एजुकेशन था, जो फॉर्मल एजुकेशन इन्होंने प्राप्त किया था, प्राइवेट एजुकेशन इन्होंने प्राप्त किया था, ये अंडर ग्रेजुएट थे। ये बात तो बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको देख के आपको एक चीज़, जब इनको आप पढ़ेंगे तो आपको एक चीज़ जो समाज में, सोसाइटी में ये चीज़ें होती है कि जिसको जितना फॉर्मल एजुकेशन बेहतर मिलेगा वो बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकता है इंटेलेक्चुअल फील्ड में, ये धारणा गलत साबित हो जाती है। क्योंकि ईवी टायलर को जो एजुकेशन मिली थी वो इंटरमीडिएट तक ही मिली थी, ही वॉज नॉट ए ग्रेजुएट, ही अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट रहे थे। लेकिन ईवी टायलर जब बड़े होते हैं, तो एक बार ये टीबी के इनको हो गया था, ट्यूबरक्लोसिस हो गया था, और उसी दौरान ये स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए ब्रिटेन से बाहर जाते हैं। क्यूबा होते हुए ये मैक्सिको पहुंचते हैं और 1856 ईस्वी में मैक्सिको में ये इनके जीवन में एक घटना होती है। जब ये मैक्सिको में थे, मैक्सिको में 1856 में इन्होंने पेरी गोल्ड केव का आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन देखा, राइट? एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। जब वे देखते हैं पेरी गोल्ड केव का एक्सकेवेशन हो रहा था, उसको वॉच करते हैं, और फिर इनके मन में वहाँ से आर्कियोलॉजी, पुरातत्व विज्ञान के संदर्भ में इंटरेस्ट डेवलप होता है। और इंटरेस्ट डेवलप होता है तो 1861 ईस्वी में ये एक बुक लिखते हैं, जिससे बुक को हम मैक्सिको मैक्सिकन, ये बुक का इनका नाम है मैक्सिको मैक्सिकन। इसमें संस्कृति के डेवलपमेंट को, मैक्सिको में जो संस्कृति का विकास हो रहा है उसके डेवलपमेंट को ये रेखांकित करने का प्रयास करते हैं। ये इनका अर्लीस्ट वर्क था जिसमें कल्चर के डेवलपमेंट के संदर्भ में ये हिस्टोरिकल जो पर्सपेक्टिव है वो सामने आती है। लेकिन बाद में, इसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण इनका वर्क है रिसर्च इनटू द अर्ली हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड एंड डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन, राइट? देखिए, ये आपको इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि जब भी किसी भी पर्सनालिटी का आप अध्ययन करते हैं तो उस पर्सनालिटी का जो डेवलपमेंट हो रहा, जैसे यहाँ भी आप देख रहे हैं कि ये रिसर्च किस चीज़ में करें, हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड
एंड डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन, कि किस प्रकार से मानव के सांस्कृतिक विकास के अंतर्गत संस्कृति का विकास होता है और अल्टीमेटली सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट होता है। सॉरी, इस बुक में ईवी टायलर के जो कॉन्सेप्ट है संस्कृति के संदर्भ में, शास्त्रीय उद्विकासवाद के संदर्भ में, और थोड़ा सा एंथ्रोपोलॉजिकल एटीट्यूड भी यहाँ दिखाई देती है, जहाँ से ईवी टायलर का इंटरेस्ट जो है आर्कियोलॉजी से और आगे बढ़ते हुए एक पूरी संस्कृति के अध्ययन की ओर मुड़ते हैं, और यहाँ से इनका एंथ्रोपोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन भी शुरू होता है। हालांकि आर्कियोलॉजी भी एंथ्रोपोलॉजी का एक महत्वपूर्ण डिसिप्लिन है, तो वहाँ भी आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद जो इनका वर्क है, जो बड़ा ही मेजर वर्क जिसको कहते हैं, प्रिमिटिव कल्चर, ये प्रिमिटिव कल्चर इनकी पुस्तक 1871 ईस्वी में आती है। राइट, प्रिमिटिव कल्चर जो इनकी पुस्तक है वो 1871 ईस्वी में आती है, दो भावलों में, और इसमें आकर के इनके कल्चर के संदर्भ में जो इनका खुद का कॉन्सेप्ट आता है और संस्कृति का अध्ययन कैसे करें, और यहीं से शास्त्रीय उद्विकासवाद की जो अवधारणा है, जो शास्त्रीय उद्विकासवाद के संदर्भ में जो इनकी कॉन्सेप्ट है वो और निखर के आती है। और बाद में एक और इन्होंने पुस्तक लिखी जिसका नाम एंथ्रोपोलॉजी था, जिसकी रचना इन्होंने 1881 ईस्वी में की। तो ये इनका जो मेन बुक है इनके द्वारा लिखित जो एंथ्रोपोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन है। लेकिन 1881 आते आते ईवी टायलर एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट के रूप में, एक बड़े ही इंटेलेक्चुअल के रूप में फेमस हो जाते हैं, और 19वीं शताब्दी के जो बहुत प्रोमिनेंट जो स्कॉलर थे जैसे चार्ल्स डार्विन भी इनके संपर्क में आ गए थे, वलास से भी इनका संपर्क था। तो धीरे धीरे संस्कृति के संदर्भ में जो इनकी अवधारणाएँ थी वो डेवलप होने लगी, और फिर ये संस्कृति के उद्विकास को बड़ा ही बेहतर तरीके से अपने लेखन में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। तब तक ये फेमस हो चुके थे। अब इस बीच इम्पॉर्टेंट इनके लाइफ में क्या होता है कि 1883 ईस्वी में ये बिटीन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के म्यूजियम में कीपर के पद पर इनकी नियुक्ति होती है। राइट, 1883 ईस्वी में ये बिटीन में जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो यूनिवर्सिटी का म्यूजियम है, उस म्यूजियम में कीपर के पद पर इनकी नियुक्ति होती है। कीपर का काम होता है जो म्यूजियम में जो आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट है उसकी देखभाल करना, और उसके संदर्भ में उसके संरक्षण का काम करना। लेकिन तुरंत ही 1884 ईस्वी में ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में यहाँ रीडर बन जाते हैं। राइट, यहाँ से रीडरशिप, और 1884 ईस्वी से 1896 ईस्वी तक ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में रीडर के पद पर रहते हैं, और फिर 1896 ईस्वी में ये प्रोफेसर बनते हैं। राइट, मतलब फर्स्ट प्रोफेसर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। राइट, यानी कि जब आप ईवी टायलर को पढ़ते हैं तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो फर्स्ट एंथ्रोपोलॉजी के प्रोफेसर का पद का जो सृजन किया गया, उस पद पर नियुक्ति ईवी टायलर की होती है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया, ही वॉज
अंडर ग्रेजुएट, इसके बावजूद इनकी नियुक्ति प्रोफेसर के पद पर होती है और 1896 से लेकर के 1909 ईस्वी तक ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के रूप में काज करती हैं और 1909 ईस्वी में ये वहाँ से रिटायर होते हैं और फिर 1912 ईस्वी में इन्हें नाइटहुड की उपाधि भी दी जाती है। ब्रिटेन की एक बहुत बड़ी उपाधि नाइटहुड रहा है और इस उपाधि से इनको सम्मानित किया जाता है। तो एक तो ध्यान ये रखना है कि ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये जब आप ये मेंस लिखेंगे तो बुक्स का चर्चा तो आप करेंगे ही, बुक्स क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये बैकग्राउंड आपको दिखाता है कि एक व्यक्ति जो अंडर ग्रेजुएट था, जिसने अपने परिश्रम के माध्यम से वर्ल्ड का एक फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट के रूप में अपने आप को स्थापित करता है। अब हम आते हैं कि ईवी टाइलर का जो एंथ्रोपोलॉजी है, उससे एंथ्रोपोलॉजी में ईवी टाइलर का क्या कंट्रीब्यूशन है, कैसे ये क्लासिकल उद्विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं और किस तरह से ये एंथ्रोपोलॉजी को एक नया डायरेक्शन देते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि हमने आपको बैकग्राउंड के बारे में बात की, हम ये देखें कि जो ईवी टाइलर हैं, इनकी अकॉर्डिंग एंथ्रोपोलॉजी क्या है। ये एंथ्रोपोलॉजी को कैसे डिफाइन करते हैं, इससे आपको आइडिया मिलेगा कि रियली ईवी टाइलर किस प्रकार के थॉट को डेवलप कर रहे हैं। ईवी टाइलर ने कहा कि एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन और मेंस डेवलपमेंट इन कोर्स ऑफ टाइम, ये इनका एंथ्रोपोलॉजी के संदर्भ में इनका दृष्टिकोण था कि एंथ्रोपोलॉजी क्या है, कि मानव के विकास का समय के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करता है। यानी कि ध्यान ही रखना है कि यहाँ फिर ईवी टाइलर एंथ्रोपोलॉजी के अध्ययन में एक तरह से हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से प्रभावित रहे हैं, राइट, कि ये जो संस्कृति का जो डेवलपमेंट है, कल्चर का जो डेवलपमेंट है, जो मैन का डेवलपमेंट है, उसको हिस्टोरिकल परिप्रेक्ष्य में पढ़ने की बात कर रहे हैं। और इसलिए जब इनका जो अवधारणा जो डेवलप होता है सांस्कृतिक उद्विकासवाद, उसमें हम देखेंगे कि ये संस्कृति के विकास की बात करते हैं, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में उसको समझने का प्रयास करते हैं। क्योंकि पहले भी मैंने कहा कि जब मैक्सिको में ये थे तो सबसे पहले इनके दिमाग में जो इंटेलेक्चुअलिटी डेवलप हुई, वह डेवलप हुई आर्कियोलॉजी के संदर्भ में, और इसलिए इनके दिमाग में हिस्टोरिकल परिप्रेक्ष्य रहा ही रहा। इसलिए एंथ्रोपोलॉजी को ये समझते हैं कि ये ह्यूमन के डेवलपमेंट, संस्कृति के डेवलपमेंट का अध्ययन करता है समय के परिप्रेक्ष्य में, कोर्स ऑफ टाइम के परिप्रेक्ष्य में, और ये हिस्टोरिकल स्टडी है जो कि आगे आपको हम क्लियर करेंगे। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब ईवी टाइलर के शास्त्रीय उद्विकासवाद को आप पढ़ेंगे तो चूँकि हम थ्योरीज के अंतर्गत संस्कृति का अध्ययन करते हैं, राइट, देखिए जितने भी मानवशास्त्रीय सिद्धांत है उस मानवशास्त्रीय सिद्धांत के अंतर्गत आप देखेंगे कि
कि मानव शास्त्रियों ने संस्कृति का अलग अलग दृष्टिकोण से अध्ययन करने का प्रयास किया और उसी के क्रम में अलग अलग थ्योरीज का डेवलपमेंट हुआ है। तो ईवी टायलर जब संस्कृति का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले हमें ये बात समझना है कि उनकी नज़र में संस्कृति क्या है, राइट। और एक चीज़ ध्यान ही रखना है कि जब आप एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं तो ईवी टायलर ने संस्कृति की एक व्यापक परिभाषा दी है जो सिंपली अधिकांश किताबों में आपको मिल जाएगी। और उसके अंतर्गत ईवी टायलर कहते हैं कि कल्चर और सिविलाइजेशन इज दैट कॉम्प्लेक्स होल विच इंक्लूड्स नॉलेज, बिलीफ, आर्ट, कस्टम, मोरल्स, लॉ एंड एनी अदर कैपेबिलिटी विच एक्वायर्ड बाई मैन एज ए मेम्बर ऑफ सोसाइटी। यानी कि ईवी टायलर कह रहे हैं कि संस्कृति वह जटिल समग्रता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, कानून और अन्य प्रकार की उपलब्धियां मनुष्य की शामिल है जो मनुष्य समाज के एक सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है, राइट। यहां से संस्कृति के संदर्भ में ईवी टायलर के कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट होता है। यानी कि इस परिभाषा के अंतर्गत ईवी टायलर कहते हैं कि संस्कृति क्या है, जटिल समग्रता है, राइट। इसकी व्याख्या आप कर सकते हैं कि संस्कृति में वो सारी चीज शामिल है, आगे ये उसकी व्याख्या भी करते हैं, जिससे मनुष्य समाज में रहकर सीखता है, राइट। समाज में रहकर सीखता है, ये संस्कृति सामाजिक है न कि जैविक। ये कहते हैं कि जैविक नहीं है क्योंकि संस्कृति व्यक्ति की नहीं होती है, संस्कृति समूह की होती है और संस्कृति समाज में रहकर सीखा जाता है। मनुष्य समाज के सदस्य होने के नाते संस्कृति को प्राप्त करता, इसलिए संस्कृति की समझ में ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि आपको ध्यान में रखना है जो संस्कृति को समझने का प्रयास करें, उसमें ये कहते हैं कि संस्कृति वह प्रक्रिया है। संस्कृति क्या है, एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से ह्यूमन का डेवलपमेंट हो रहा है, राइट। यानी ह्यूमन के जीवन में ह्यूमन जितने भी चीज़ों को सीख करके समाज से जो सीखता है, समाज से जो प्राप्त करता है वो संस्कृति है। चूँकि संस्कृति की इन्होंने व्यापक परिभाषा दी और चूँकि हम लोग इनके एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसी में इन्होंने संस्कृति के अध्ययन की बात की, संस्कृति का अध्ययन है ना, स्टडी ऑफ कल्चर। और ये कह रहे हैं कि स्टडी ऑफ कल्चर इज द स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ मैन इन कोर्स ऑफ टाइम फ्रॉम सेवेजरी टू बार्बरिज्म एंड देन सिविलाइजेशन। यानी संस्कृति का अध्ययन मानव के ऐतिहासिक विकास का अध्ययन है जिसके अंतर्गत हम असभ्य अवस्था से बड़बड़ावस्था और बड़बड़ावस्था से हम सभ्यता की अवस्था का अध्ययन करते हैं। यानी यहाँ फिर ईवी टायलर कहते हैं कि संस्कृति का अध्ययन जो है हिस्टोरिकल परिप्रेक्ष्य में करना है। मैंने पहले भी आपको बताया, बैकग्राउंड में भी बताया कि ईवी टायलर संस्कृति को मानव के ऐतिहासिक विकास प्रक्रिया के रूप में देखते हैं और ऐतिहासिक विकास प्रक्रिया के रूप में देखते हैं जिसके अंतर्गत ये कहते हैं कि हम
इन द कोर्स ऑफ टाइम, यानी समय के परिप्रेक्ष्य में उसमें जो डेवलपमेंट होता है, उन सारी चीज़ों का अध्ययन मानव शास्त्र करता है। अब एक चीज़ यहीं पर आता है जो कि क्लासिकल उद्विकासवाद की जो अवधारणा है उससे जुड़ी हुई है। ध्यान ये रखना है कि उद्विकास का जो सिद्धांत है, जैविक उद्विकास का सिद्धांत, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये 1859 ईस्वी में चार्ल्स डार्विन की पुस्तक आई थी। और मैंने पहले ही बताया कि जो ईवी टाइलर हैं, इनका संपर्क चार्ल्स डार्विन से था, और चार्ल्स डार्विन से था संपर्क, तो ईवी टाइलर कल्चर के उद्विकास को जैविक उद्विकास के रूप में देखने का प्रयास करते हैं। ध्यान ये रखना है, यानी कि ईवी टाइलर कहते हैं कि जिस तरह से जैविक उद्विकास सरल से जटिल रूप में होता है, उसी तरह से कल्चर का उद्विकास भी सरल से जटिल रूप में होगा। और ये कॉन्सेप्ट जो है ईवी टाइलर ने जो डेवलप किया, ये दरअसल जैविक उद्विकास से प्रभावित था कि संस्कृति सरल से जटिल अवस्था में डेवलप होती है। और संस्कृति का जो अध्ययन है, जैसा कि हमने कहा कि जब आप हिस्टोरिकल परिप्रेक्ष्य में संस्कृति का अध्ययन करेंगे, संस्कृति को एक ऐतिहासिक प्रक्रिया के रूप में अगर आप समझते हैं और उसके परिप्रेक्ष्य में आप पे अध्ययन करेंगे, तो आप पाएंगे कि संस्कृति का उद्विकास सरल से जटिल रूप में हो रहा है। ये ईवी टाइलर का कॉन्सेप्ट है, यानी कि ईवी टाइलर का जो शास्त्रीय उद्विकास का सिद्धांत है, इसमें पहला इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि संस्कृति एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है, जिसमें मनुष्य का समाज में विकास होता है और यह असभ्यावस्था बर्बरावस्था और सभ्य अवस्था से गुजरता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि ये कह रहे हैं कि संस्कृति का उद्विकास सरल से जटिल रूप में होता है। कॉन्सेप्ट के रूप में ध्यान में रखना है कि चूंकि ये डार्विन के उद्विकासवाद से प्रभावित थे, और इसलिए कह रहे हैं कि संस्कृति का उद्विकास सरल से जटिल रूप में होता है। और तीसरा ये बात कह रहे हैं कि संस्कृति का एक रेखीय उद्विकास होता है, एक रेखीय उद्विकास होता है। और चौथा कह रहे हैं कि संस्कृति का जो उद्विकास है, एक क्रमिक उद्विकास होता है, यानी प्रत्येक संस्कृति एक सर्टेन स्टेज से गुजरेगी, यानी कि असभ्यावस्था, बड़बड़ावस्था और सभ्यतावस्था, ये तीनों में गुजरेगी। तो एक तो संस्कृति के जो कॉन्सेप्ट है, संस्कृति के संदर्भ में इनकी ये अवधारणा आपको ध्यान में रखनी होगी। फिर जब हम शास्त्रीय उद्विकासवाद की बात करते हैं, तो उसकी अंतर्गत दो चीज़ आपको ध्यान में रखना है। एक चीज़ तो ध्यान में रखना है कि ईवी टाइलर ने जब संस्कृति का अध्ययन किया, तो उन्होंने कहा कि संस्कृतियों के बीच समानता पाई जाती है। राइट, सिमिलरिटी अमंग्स वेरियस कल्चर,
अब देखिए यह इनका इसके पीछे क्या लॉजिक था कि जब ईवी टैलर ने अलग अलग कल्चर का अध्ययन किया, ऑब्जर्वेशन किया, तो पाया कि विभिन्न कल्चर की भी समानता है, तो संस्कृतियों की भी समानता के लिए ईवी टैलर ने यहाँ पर दो बातों को देखने का प्रयास किया कि एक तो ये या तो समांतर आविष्कार के कारण, यानी कि पैरेलल इन्वेंशन के कारण, या दूसरा प्रसार के कारण, डिफ्यूजन के कारण। ये दो लॉजिक लेकर चल रहे हैं कि अलग अलग संस्कृतियों के बीच जो समानता पाई जाती है, यह समानता जो है या तो पैरेलल इन्वेंशन यानी कि एक ही तरह के आविष्कार एक ही समय में अलग अलग क्षेत्रों में हो रही है, या एक संस्कृति दूसरी संस्कृति के संपर्क में है, तो संपर्क में आने के कारण उनके बीच डिफ्यूजन हो रहा है जिसके कारण संस्कृति का उद्विकास हो रहा है। लेकिन ईवी टैलर अपने सिद्धांत में इस पर बल देते हैं, ध्यान ये रखना है, वे इस पर बल देते हैं, वे डिफ्यूजन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि संस्कृति में जो समानता पाई जाती है वो डिफ्यूजन के कारण पाई जाती है। उन्होंने लॉजिक लगाया कि दो इम्पॉर्टेंट कारण हो सकता है, फिर वो कह रहे हैं कि ये दरअसल पैरेलल इन्वेंशन के कारण हो रहा, और पैरेलल इन्वेंशन क्यों हो रहा, तो इसकी जो व्याख्या वो कह रहे हैं, एक्सप्लेनेशन वो कर रहे हैं कि ये हो रहा ड्यू टू साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड। राइट, ईवी टैलर कह रहे हैं कि देयर आर सिमिलैरिटी इनवर्सली सिमिलैरिटी इन ह्यूमन माइंड। वो कह रहे हैं कि मनुष्य के जो माइंड है, जो मनुष्य के जो दिमाग है, उसमें सार्वभौमिक रूप से समानता है, और इसलिए अगर मनुष्य सिमिलर टाइप के प्रॉब्लम को फेस करता है तो मनुष्य सिमिलर टाइप का ही इन्वेंशन करता है, और इसलिए संस्कृतियों में समानता पाई जाती है। अरे दूसरा इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट ईवी टैलर ने दिया समानता के साथ साथ उत्तरजीविता का, राइट, सर्वाइवल, सर्वाइवल, यानी कि एक तरफ ये कह रहे हैं कि संस्कृतियों का उद्विकास हो रहा है, जटिल से सरल से जटिल रूप में हो रहा, और इसी का सब अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार से पैरेलल इन्वेंशन होता है, इस पैरेलल इन्वेंशन से पैरेलल इवोल्यूशन हो रहा है, यानी समांतर उद्विकास, और समांतर उद्विकास चूंकि संस्कृति एक प्रक्रिया है, इसलिए संस्कृति का उद्विकास जो है तीन स्टेज, असभ्यावस्था, बर्बरावस्था और सभ्यावस्था में होता है। ये ध्यान में रखना, यानी इसके अंतर्गत आपको इसको कोरिलेट करना होगा कि इनकी खुद की ये अवधारणाएँ है। दूसरा, ये बात करते हैं उत्तरजीविता की, बात करते हैं कि संस्कृतियाँ सर्वाइव कर रही है। यहाँ उत्तरजीविता का मतलब है कंटिन्यूटी ऑफ कल्चर, राइट। ईवी टैलर कह रहे हैं कि
कि जो पास्ट में संस्कृति डेवलप हुई है वो संस्कृति वर्तमान में भी सर्वाइव कर रही है। क्योंकि ईवी टेलर ने जब जनजातीय संस्कृति का अध्ययन किया और एक तरह से आर्कियोलॉजी के माध्यम से प्री हिस्टोरिक कल्चर का अध्ययन किया, दरअसल ईवी टेलर प्री हिस्टोरिक कल्चर का रिकंस्ट्रक्शन करने का प्रयास करते हैं, तो पाते हैं कि कई ऐसे सांस्कृतिक ट्रेट है, जैसे मान लो रीति रिवाज है, राइट, धर्म है, प्रथा है, परंपरा है, विचार है, आइडियोलॉजी है, ये सर्वाइव कर रही है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी, जैसे इन्होंने देखा कि स्टोन टूल्स का यूज़ जो 19वीं शताब्दी के कई ऐसे ट्राइबल्स हैं वो कर रहे हैं, उसी तरह के टूल्स का यूज़ कर रहे हैं जो आर्कियोलॉजी के अंतर्गत हम प्री हिस्टोरिक पीपल में देखते हैं। तो इनका कहना है कि संस्कृति जो इवोल्व करती है, जो कि अर्ली स्टेज में आपको असभ्य अवस्था यानी सेवेजरी के स्टेज में रहती है, तो ऐसा नहीं कि सेवेजरी का स्टेज ख़त्म हो गया, पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, सेवेजरी से फिर बर्बरावस्था में जाएगा, फिर सभ्यावस्था में जाएगा। हाईएस्ट स्टेज ऑफ कल्चर डेवलपमेंट जो है वो सिविलाइजेशन है। तो अभी भी कई ऐसी, इनके टाइम की मैं बात कर रहा हूँ कि 19वीं शताब्दी में इन्होंने देखा कि कई ऐसी जो ट्राइबल सोसाइटी हैं जो असभ्य या बड़बड़ा अवस्था में हैं, तो उनकी जो संस्कृति है वो प्री हिस्टोरिक संस्कृति की सर्वाइवल को दिखाती है, क्योंकि उनके बीच समानता है और संस्कृतियाँ सर्वाइव करती है, यानी कि वो कंटिन्यूस अगली पीढ़ी में जाती है। किसके माध्यम से जाती है? तो लर्निंग के माध्यम से जाती है। इन चीज़ों के अध्ययन के लिए ईवी टेलर ने जो मेथड इस्तेमाल किया वो कंपैरेटिव मेथड, राइट, उन्होंने तुलनात्मक पद्धति का उपयोग किया, राइट, और तुलनात्मक पद्धति का उपयोग करके उन्होंने दिखाने का प्रयास किया कि किस तरह से संस्कृति सरल से जटिल अवस्था में डेवलप होती है, किस तरह से संस्कृति यूनिलिनियर डायरेक्शन में इवोल्व होती है, एकरेखीय उद्विकास होता है, पैरेलल इवोल्यूशन होता है। संस्कृति के विकास की जो प्रक्रिया है एक सर्टेन स्टेज से जाती है, यानी कि असभ्यावस्था, बर्बरावस्था और सभ्यावस्था की ओर जाएगी। ये कॉन्सेप्ट इन्होंने संस्कृति के उद्विकास के संदर्भ में दिया। ईवी टेलर ने संस्कृति के उद्विकास के अलावे इनके जो सांस्कृतिक उद्विकासवाद का जो कॉन्सेप्ट है इसको समझने के लिए रिलीजन का जो स्टडी ईवी टेलर ने किया है आप उसको भी देख सकते हैं। रिलीजन है ना, रिलीजन का धर्म वाले टॉपिक में हम लोग अध्ययन करते हैं और यहाँ भी ईवी टेलर ने रिलीजन का अध्ययन उद्विकासवादी दृष्टिकोण से किया, राइट, और रिलीजन के उद्विकास का भी इन्होंने तीन स्टेज की बात की। पहला आत्मावाद, दूसरा बहुदेववाद और तीसरा एकेश्वरवाद, राइट। चूंकि इनका कॉन्सेप्ट ही था, जो देखो जब कॉन्सेप्ट आप देखेंगे कि किसी व्यक्ति ने कोई कॉन्सेप्ट बनाया तो उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वो सोचना शुरू करते हैं, और जब उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वो सोचते हैं तो रिलीजन को भी इन्होंने तीन भाग में देखा कि अर्ली स्टेज ऑफ रिलीजन जो है वो एनिमिज्म है, जिसकी चर्चा हम लोग धर्म के अध्ययन के अंतर्गत करते हैं, और जिसमें ये कहते हैं कि एनिमिज्म क्या है कि बिलीफ इन ए स्पिरिचुअल बींग, और उसकी जब व्याख्या ये करते हैं कि आदि मानव जो है उसमें स्पिरिचुअलिटी का जो डेवलपमेंट होता है, सोल में विश्वास का जो डेवलपमेंट होता है वो स्वप्न और मृत्यु की जो सार्थकता है उसके कारण होता है,
क्योंकि आदि मानव स्वप्न में देखता है कि उसके शरीर से कोई चीज़ बाहर जा रही है और विभिन्न तरह का एक्सपीरियंस लेके वापस आ जा रही है। मृत्यु के बाद जो है व्यक्ति के शरीर से कुछ ऐसी चीज़ निकलती होगी जिसके बाद उसकी एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। और इसके आधार पर ईवी टेलर ने कहा कि संभवतः जो आदि मानव है उसने दो तरह की आत्मा की परिकल्पना की, एक मुक्त आत्मा और दूसरा देहात्मा। मुक्त आत्मा जो है शरीर से बाहर निकल सकती है और विभिन्न प्रकार के एक्सपीरियंस लेकर वापस आ सकती है, और देह आत्मा जो है अगर एक बार निकलेगी शरीर से बाहर तो फिर व्यक्ति का डेथ हो जाता है। इस तरह का विकास आदि मानव में इस कारण से हुआ क्योंकि आदि मानव कई बार स्वप्न में अपने पूर्वजों को भी देखता था, राइट। तो अपने पूर्वजों को स्वप्न में देखता था तो उसे लगता था कि कोई न कोई सोल है, स्प्रिट है, कोई न कोई ऐसा सुपर नेचुरल एलिमेंट है जो कि जिसका अस्तित्व है और जो मृत्यु के बाद भी सर्वाइव करता है। और इसके आधार पर ईवी टेलर ने कहा कि सबसे पहले आदि मानव में आत्मवाद की अवधारणा का विकास हुआ। लेकिन बाद में ईवी टेलर ने कहा कि जब समाज और संस्कृति का विकास हुआ तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग टाइप के आत्मा की अवधारणा का विकास किया जिससे बहुदेववाद की संकल्पना का डेवलपमेंट हुआ, अलग अलग स्प्रिट का डेवलपमेंट किए और अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करने लगे। और बाद में जब समाज और अधिक विकसित हुआ तब एक ईश्वर में सबको समाहित कर दिया गया। तो यहाँ भी वे धर्म का जो उद्विकास है ये एक रेखी यानी यूनिलिनियर एक रेखीय उद्विकास के रूप में धर्म का उद्विकास को दिखा रहे हैं और इसके माध्यम से वो धर्म के उद्विकास को स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। तीसरा जो इम्पोर्टेंट ईवी टेलर का इसमें कंट्रीब्यूशन है कि जो समाज का उद्विकास है ये मातृरेखीय से पितृरेखीय के रूप में। अब देखो इसके संदर्भ में इन्होंने कई समाजों में आज भी प्रचलित है एक किन्सी बिहेवियर है जिसको हम लोग कुबेद बोलते हैं। कुबेद नामक किन्सी बिहेवियर जो है ऑस्ट्रेलिया के जनजातियों में बड़े पैमाने पर अभी भी है। इसमें क्या है कि जब वे किसी पुरुष की पत्नी गर्भवती होती है तो पुरुष को उन सारे निषेधों का पालन करना पड़ता है जो उसकी पत्नी गर्भवती होने के दौरान या प्रजनन के दौरान करती है। इसको ईवी टेलर ने कहा कि चूंकि पहले जो समाज था वो मैट्रिलिनियर था और मैट्रिलोकल था और बाद में समाज ट्रांसफर हुआ पैट्रिलिनियल और पैट्रिलोकल में, तो उसी की सिंबॉलिक अभिव्यक्ति कुबैद के रूप में है। और इस तरह से ईवी टेलर ने एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत शास्त्रीय उद्विकासवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किया और उसमें जो मेन कॉन्सेप्ट पहले भी हमने चर्चा किया कि आपको ध्यान में रखना है कि संस्कृति का एक तो परिभाषा जो आज भी बहुत ही परफेक्ट है, दूसरा ये कह रहे हैं कि संस्कृति का सरल से जटिल रूप में उद्विकास हो रहा है, संस्कृति एक रेखीय उद्विकास हो रहा, पैरेलल उद्विकास हो रहा, संस्कृति विभिन्न चरणों में विकसित होती है, तीन चरण इन्होंने प्रतिपादित किया, असभ्यावस्था, बर्बरावस्था और फिर सभ्यावस्था। फिर ये कह रहे हैं कि संस्कृति में समानता पाई जाती है। क्यों समानता पाई जाती है? क्योंकि जो ह्यूमन माइंड है उसमें समानता है और इस समानता का अगर अध्ययन करना है तो फिर हम कंपेरेटिव मेथड के रूप में का अप्लाई एप्लीकेशन करके हम समानता को देख सकते हैं। तो कंपेरेटिव मेथड का मतलब क्या है कि हम कंपैरिजन करते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया कि जब ईवी टेलर ने देखा कि ट्राइबल्स जो हैं आज भी स्टोन टूल्स यूज़ कर रहे हैं और प्री हिस्टोरिक जो लोग हैं उनके जब एक्सकेवेशन में टूल्स प्राप्त हुए तो दोनों में समानता दिखाई दी
और उसके आधार पर ईबी टेलर कह रहे हैं कि जो कल्चर प्रीहिस्टोरिक पीरियड में डेवलप हुई वो आज भी सर्वाइव कर रही है, और इसलिए हम संस्कृति के उद्विकास को इस रूप में समझ सकते हैं, अल्टीमेटली संस्कृति के उद्विकास को हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में ही देखने का प्रयास करते हैं। अब देखो, इनको समझने के बाद आपको थोड़ी सी इस पर, जब भी आप थ्योरी पढ़ते हैं तो आपको आलोचना पढ़नी चाहिए। तो आलोचना इनकी क्या है कि देखो, ईवी टायलर ने जो शास्त्रीय उद्विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया उसमें कह रहे हैं कि संस्कृति सरल से जटिल रूप में विकसित होती है। अब देखो, जैविक उद्विकास और सांस्कृतिक उद्विकास दोनों डिफरेंट चीज होता है, इसलिए जैविक उद्विकास के अनुरूप ही सांस्कृतिक उद्विकास हो ऐसा संभव नहीं है, पहला चीज। दूसरा, इन्होंने यूनिलिनियर उद्विकास की बात की, जबकि जब आप देखोगे कि दो उद्विकासवादी मानव शास्त्री हैं, उन लोगों ने मल्टीलिनियर उद्विकास की अवधारणा प्रस्तुत की। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये कह रहे हैं सर्टेन स्टेज, तो कई जगह स्टेज वो फुलफिल नहीं होगा। और चौथा इम्पॉर्टेंट हम कह रहे हैं कि मेलिनवस्की ने कहा कि संस्कृति का जो उद्विकास है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अध्ययन का विषय वस्तु एंथ्रोपोलॉजी में नहीं होना चाहिए, बल्कि यह अध्ययन होना चाहिए कि संस्कृति रियल में कार्य क्या करती है। और पांचवा इम्पॉर्टेंट आलोचना इनकी ये है कि इनकी जो अवधारणाएँ थी वो एक तरह से प्राइमरी सोर्सेज पर आधारित नहीं थी, यानी कि इन्होंने सेकेंडरी सोर्सेज का ज़्यादा इस्तेमाल किया और एम्पिरिकल स्टडीज़ का कम इस्तेमाल किया गया था, और इस आधार पर जो है इनकी आलोचना की जाती है। साथ ही साथ ये कल्चर और संस्कृति के बीच जो है इंटरेक्शन को स्थापित करके संस्कृति को नहीं देखने का प्रयास किए, तो ये इनके लिमिटेशंस थे। लेकिन अल्टीमेटली अगर आप संस्कृति को समझने का प्रयास करते हैं और शास्त्रीय उद्विकासवाद को समझने का प्रयास करते हैं, तो हम कहेंगे कि चूंकि ये अर्ली स्टेज के मानव शास्त्री थे और उस समय मानव शास्त्र जो है शिशु अवस्था में था, तो उस समय इसमें कमियां होना स्वाभाविक है, लेकिन इन्होंने जो कंट्रीब्यूट किया कि एंथ्रोपोलॉजी को एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन के रूप में स्थापित किया, संस्कृति की एक व्यापक परिभाषा दी जो आज भी मान्य है, और साथ ही साथ संस्कृति को देखने का पढ़ने का एक व्यवस्थित तरीका इन्होंने ईजाद किया, और इसके लिए इनको मानव शास्त्र के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है, और इसीलिए इन्हें फादर ऑफ ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। तो इतनी चीज़ों को आप इसके अध्ययन के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं, और इसके माध्यम से ईवी टेलर के शास्त्रीय उद्विकासवाद के विकास में योगदान को समझ सकते हैं।